हेलो गाइस, मेरा नाम पूजा है। मेरे तोमर फैमिली व्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने दोबारा से एक राजस्थान की हवेली की सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए, तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने से सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन है और मैं ही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओहो अच्छा, मैंने सुना है कि ये भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए, मेरे माने तो आप भी वापस लौट जाएं, यहाँ बहुत खतरा है। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको नहीं पता होगा, मैं भूत प्रेत की काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। इतना कहकर अजीत सिंह ने उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम में भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के दो चार पैक भी पिए और वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगे। लेकिन अजीत ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सच्चे सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फुट हवा में ऊपर आके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समय समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत सिंह बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार दे डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपनी इस हवेली रूम में देखना चाहता हूँ, असली रूम में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरे करूँगा। और उसने एक भयानक दरमियान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब में सफ़ेद पाउडर निकाला और भूत के ऊपर फेंक दिया। ऊपर पाउडर डलते ही वह चलने लगा, बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी और वह बहुत जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देखा, अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।